गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो मैं तैयार हो चुकी है। देखो मेरी बेटी, मैं आधा तैयार हो गई हूँ, कपड़े बच्चे पहने और सिंदूर इंदूर भरना। कपड़े में तुझे तो नाइट ड्रेस ही पहनना है। हाँ। इसलिए मैं आराम से कर लूंगी अभी चेंज वेंज, क्योंकि अभी इतना लोड नहीं है। साड़ी वाड़ी पहनना तो रहता है, अभी मेरे को तो मस्त गाउन पहने यार मुझे ऐसा फिगर चाहिए। मेहनत करो, मेहनत कहाँ से मेहनत करो, खाओ सो जाओ। हाँ, ये मेहनत होता है। हाँ तो मैं जी मेहनत करती हूँ, वो तो मैं कर ही रही हूँ। तो और तो करो। अच्छा ऐसा नहीं हो रहा, सच्ची में जिम में जाओ। फिर ये कहीं थी पता है, जिम जिम ज्वाइन किया, बोलती रोज जिम जाऊंगी रोज जाऊंगी। फिर ऐसे जिम गई कि 10 दिन तो कंटिन्यू गई, इसके बाद गई ही नहीं, शक्ल ही नहीं देखा जिम का। ऐसे जिम नहीं है बोलो, और इनको ऐसे बॉडी बनानी है। पागल, जिम गई थी, जिम वाले ने बोला कि तुम्हारी नींद पूरी नहीं हो रही है, तो वर्कआउट करके कोई मतलब नहीं है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ तो पहले नींद पूरी करो, 3-4 दिन सो जाओ आराम से। नहीं छुट्टी नहीं चाहिए, छुट्टी नहीं, एक दिन जिस दिन छुट्टी मिले ना जाते ही सो जाओ, दूसरे दिन भी दिन भर ऐसे सोते रहो, तो एक दिन पूरा नींद पूरी कर लो। तू भी जानती है, अगर जिस दिन छुट्टी रहते एक तो टेंटेटिव में रखते हैं, छुट्टी होता नहीं है। ठीक है, आधा तो हम जल्दी सुबह उठ के ये रहते हैं कि भैया रेडी स्टडी गो करेंगे, फिर बाद में बोलते हैं कि आज नो शूट। और नो शूट कब पता चलता है? शाम के 4 बजे। मतलब ऐसे अटका के रखते हैं, और शाम के 4 बजे भी हमारा जब ऑफ भी होता है तो भी टेंटेटिव होता है। टेंटेटिव में भी हम लोग घर पे ही रहते हैं, कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि कभी भी ये फोन लगा के बोलते हैं आधे घंटे में आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हाँ। ऐसे करते हम इधर नहला देंगे, सब कुछ करवा देंगे। हाँ, बोलते अब जैसे हो ना उठे हो वैसे के वैसे ही आ जाओ। हम बोलते भाई शांति अभी। और ये बोलते हैं नो शूट बोलने के बाद भी बोल देते कल शूट रहेगा, मतलब दिमाग में ये कि कहीं 6:30 का शिफ्ट ना लगा। हाँ ये ज्यादा दिक्कत होता है, तो कहीं जा भी नहीं सकते। 6:30 का शिफ्ट मतलब 5 बजे आपको उठना है, तो फिर बैंड बज जाती है, इसलिए जाके हम लोग सो ही जाते हैं, कुछ करते भी नहीं है। जब नो शूट बोलते तब इतनी नींद आती है, इतनी नींद आती है कि एडवांस में ही सो जाते, फिर रात को नींद नहीं आती। यही होता है। कैसा भी होता है ये? हाँ तो यही होता है। तूने क्या खाया अभी? मैंने खाई भेल, खाई चाय बिस्किट खाए, और भेल बहुत खा लिया। भेल आया कहाँ से? मैं वो पैकेट वाला भेल था मेरे पास, 2 मिनट में भेल तैयार, तो वो खाया अभी बना के। मेरा तो तबीयत खराब है, तो फ्रूट्स खाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छी बात है, फ्रूट्स खाओ, और क्या खाना चाहिए। मैं खाती नहीं, अलग बात है, बना खाना चाहिए फ्रूट्स। मुझे पसंद नहीं फ्रूट, मेरे को ना वो तीखा तीखा चटपटा सा कुछ चाहिए होता है, ये बड़ा फीका फीका सा होता है, मेरे को चाहिए मिर्च मसाला ये सब चाहिए मेरे को खाने में। सोच मेरा भी वही हालत है इसलिए फ्रूट खाने में ऐसे फीके फीके लगते हैं। कोई नहीं, तेरे और मेरे एज गैप में होने का, जब तू मेरे एज गैप में आएगी तो तू इधर ही बैठी रहेगी, तू भी ऐसी बोलेगी कि यार फ्रूट्स खाने को बोला डॉक्टर ने, खा लो। नहीं होगा ऐसे, हेल्थ का ना पता नहीं एज का क्या होता है। तेरा फिगर वैसा है, मैं भी कभी पतली थी, लेकिन मेरा खानदान पूरा गोलू मोलू हो गई। मेरा पतला है सब है। हाँ, मेरी मम्मी पतली है, मेरे दादाजी पतले हैं ऐसे, मेरे पापा भी मतलब नॉर्मल ही है, उससे थोड़े बहुत वो मतलब जैसे होते हैं नॉर्मल है सब, सारे लोग। मेरी दादी पतली है। नहीं सब मेरे फैमिली में सब मेरे जैसे बोलो बोलो। हाँ, तो मेरी फैमिली में सारे मेरे जैसे पतले पतले, इसलिए मैं भी उनपे गई हूँ, और वो अभी तक भी वैसे ही है पतले, तो मैं भी उनकी एज तक भी वैसे। हाँ, हाँ, तो वो जेनेटिक है, वो जेनेटिक है। हाँ इसलिए मेरा सारा मेरा जेनेटिक ऐसा क्यों है? ठीक है, सबका अलग अलग होता है, अच्छी बात है। मतलब पैदा ही माँ बनने के लिए हुई थी। पैदा होते ही माँ ने बोला आई माँ तो माँ गई, बेटी पैदा की माँ गई। चलो अरे ये वीडियो भी मुझे दे देना, अपने ब्लॉग में डालूंगी। ये तो आप तो पहले डाल दूंगी, मैं तो बहुत बाद में डालूंगी, क्योंकि 4 मिनट का ब्लॉग। अच्छा स्टे ट्यून बोल रहे कैसे? स्टे ट्यून। पूरा सन्नाटा ही है क्योंकि आज आउटडोर शूट है। ये क्या कर रही देखिए शिवानी वॉशरूम में। ओके ये वॉशरूम में है। जिस दिन आउटडोर होता है उस दिन इतना सन्नाटा रहता है ना, मजा आ जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। चाची नंबर वन चिल्लाने का मन करता है। चलो
ये मैडम रेडी हो गई हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेबी, आई एम बिजी पोस्टिंग माय रील ऑफ द डे। मुझे देखना है रील तेरा, कौन सा डाला तूने? एक्चुअली ये एक काम है हम एक्टर्स का, करना पड़ता है। लोगों को लगता है ये लोग वेले फ्री पड़े रहते हैं इसलिए रील बनाते रहते हैं, ऐसा नहीं है। दिस इज अ टास्क, वी हैव टू डू इट, नहीं तो फॉलोअर्स गिर जाते हैं। So, सभी गिरी जाते। बड़े स्टार बनने के बाद फिर मैनेजर्स रखेंगे हम लोग। हाँ, मैं तेरी मैनेजर, तू मेरी मैनेजर। By the way, thank you, तूने आई खोल दिया मेरे आँख, बहुत बेटर फील हो रहा है, बहुत बेटर, थैंक यू, वेलकम, एनीथिंग फॉर यू। मैं, मेरा 3 दिन से तबीयत खराब है, इस लड़की ने मेरा इतना हेल्प किया है, मेरा उतना किसी ने नहीं किया। नहीं बोलो, नहीं बोलो, प्लीज नहीं बोलो, नजर ना लग जाए। बिल्कुल, वन सेकेंड। थैंक यू, थैंक यू फॉर दिस लवली कंटेंट, वेलकम, स्टे ट्यून्ड। सो मेरा बुलावा आ गया है, आई एम लीविंग फॉर माय सेट, ये ऊपर ही है मेरे कमरे का है, स्टे ट्यून्ड। कब आया था दोस्त? बस रेडी हो रहा था, जल्दी कराओ। गुड मॉर्निंग, नाइस सर। घड़ी गिफ्ट नहीं दिया जाता। अरे सच्ची खरीद लेना एक घड़ी। तो बोला तो बुक कर दो। मैं तो बुक कर दो, अजीब बात करता है। पहनना आपको है, पहनना आपको है। मुझे इसका आइडिया नहीं है। आइडिया क्या है इसमें? देख लो, कोई ब्लूटूथ है, कोई कॉलिंग है, क्या है, देख ले फीचर्स, देख के गेट आइडिया। तो मेरा हो गया सीन, कुछ नहीं था, मुझे सिर्फ खाने की बुराई करनी थी बस, और कुछ नहीं। यस सनी, हाय। मुझे लगा तुम आए होगे रूम में। स्टे ट्यून। फिर से हॉस्पिटल वाला वीडियो लग गया है, इधर जेल है, इधर हॉस्पिटल है। खाना भी आ गया, खाना खाना खाना। तूने वीडियो देखा मैंने डाला उस दिन वाला? तू तो लेगी नहीं। स्टे ट्यून। हम लोगों ने अपना सीन दे दिया है, शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ। गोविंद जी और मेरी बिटिया रानी सब वेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे सीन चल रहा है, मैंने अपना तो लंच कर लिया है। अभी यहाँ पे देखो हॉस्पिटल से मनु चली गई अपने रूम में। स्टे ट्यून। जुगनू, अभी तो तुम्हारा बस 3रा महीना चल रहा है, अभी से आ गया हॉस्पिटल? अब मांगना ही कॉपीराइट वाला वीडियो।
अमित भाई सो जाओ सो जाओ। यहाँ पे चाय बनाई जा रही है कर मैं वो भी मिक्सर के ऊपर। चाय कौन कौन पी रहा चाय? क्योंकि ये चाय का जो फ्लेवर है वो बाहर नहीं जाना चाहिए उसकी पत्तियों का, ये इसलिए रख दिया। इलॉन्गेटेड ग्रीन टी है। सीटी लगाओगी चाय में? हाँ, सेलेटेड ये लंबी पत्ती वाली। तुम ये चखना चाहोगी चाय? थिंक टू लाव मैं चाय नहीं पीती, वो बुआ कुकर में बना रही है। सिटी बज गई, दो सिटी पे चाय बनती है। सिटी बजा रही इसको शुगर की क्या करवा रही है? पागल छोटे बच्चों का ऐसा सुसु करवाते हैं। ये चाय ये बिन्नी के लिए। नो बिन्नी, आई डोंट लाइक टीम फॉर ओए मुंह में चाय। बहुत बड़ी बेइज्जती है मेरी चाय की, ये मेरी सहेली पिएगी मुझे प्याली में चाय। कैसे आते बेटा प्याली के दिखाओ चाय कैसे पीते, प्लीज फोकस किया चाय। सो फ्रेंड्स, मेरा उस टाइम पैकअप हो गया था, बहुत घाई घाई हुआ आने के लिए, तो मैंने वहाँ पे पैकअप नहीं बोल पाई, तो मैं अपने घर आ चुकी हूँ। मैंने सोचा कि यहाँ यहीं पे आके आपको बोल दूँ कि आज का हो गया। स्टे ट्यून्ड।